हैं आप? हाँ रुक बोलो ना सर, आप ये क्यों कर रहे हो, क्या फायदा आपको इसमें? ये मैं लोगों को जागृत करने की कोशिश कर रहा हूँ। एक हीरो जिसको जीरो से हमारे देश ने हीरो बनाया, हमने कभी ये नहीं देखा कि यार वो किस जात का है, किस धर्म का है, हमने उसे सिर्फ एक कलाकार माना। लेकिन जब वो शीर्ष पे पहुंच गया तो उसने हमारे देश को बदनाम कराया। ये बोला कि भारत को इस देश में डर लगता है। अरे आमिर खान, डर तो हमको लगता है जब हमारे घर वाले कश्मीर जाते हैं, डर तो हमको लगता है जब कन्हैया कुमार की गला काट दिया जाता है, हमें डर लगता है। डर तेरे को क्यों लगता है? इस शीर्ष पे आके तू हमारे देश को बदनाम करेगा? तू अपनी बेटी का नंगा फोटो तू अपने पोस्ट करेगा? उसको बर्थडे पे मनाते हुए नंगा फोटो पोस्ट करेगा? और तू सोचता है हम तेरी घटिया आदमी की पिक्चर देखेंगे? बायकॉट बायकॉट बायकॉट। और जो आदमी पिक्चर देखेगा वो खुद भी देश का गद्दार है, और अगर वो इसको अपना हीरो मानता है तो वो भी अपनी बहन बेटियों के फोटो नंगे पोस्ट करे, तब हम मानेंगे कि वो तुम्हारा हीरो है। नहीं तो इसको बायकॉट करो सारे को। इसलिए आप भी पिक्चर मत देखने जाना। आपके हाथ जोड़ से कर रहा हूँ, अपने बहन बेटियों की इज्जत बचाओ, अपने देश की इज्जत बचाओ, देश से प्रेम करो। पिक्चर देखना बंद करो सर इन लोगों की। इनको हम सिर पे बिठाते हैं और ये हमारे सिर पे मुदते हैं। ठीक है भाई साहब, मेरे को इनके लिए हम भी नहीं देखेंगे भाई साहब। बिल्कुल धन्यवाद।